जब हम दुनिया की बात करते हैं तो हम अक्सर बड़े देशों के बारे में ही सोचते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि दुनिया में कुछ ऐसे भी देश हैं जो आपकी सोच से बहुत छोटे हैं? आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे दुनिया के 6 सबसे छोटे देश जो आपके रोमांच और अद्वितीय जानकारी का खजाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। मार्शल आइलैंड। प्रशांत महासागर में भूमध्य रेखा के नजदीक बसे मार्शल की खूबसूरती देखने लायक है। 1979 में अस्तित्व में आने वाला मार्शल किसी समय में अमेरिका के अंडर में हुआ करता था, लेकिन साल 1986 में मार्शल द्वीप पूरी तरह से आजाद कर दिया गया। वो बात अलग है कि आज भी मार्शल को सुरक्षा अमेरिका ही देता है। मार्शल आइलैंड, जिसे आधिकारिक तौर पर रिपब्लिक ऑफ मार्शल आइलैंड भी कहते हैं, ये एक आइलैंड देश है जो कि अमेरिकी द्वीप हवाई और ऑस्ट्रेलिया के बीच में स्थित है। इस देश को मैक्रोनेशियन का हिस्सा भी माना जाता है। इस आइलैंड के आसपास का एरिया बहुत ज्यादा जैव विविधता के लिए घिरा हुआ है। यहाँ 800 से भी ज्यादा प्रजातियों की मछलियाँ और 160 कोरल प्रजातियाँ पाई जाती है। 181 वर्ग किलोमीटर के एरिया के साथ मार्शल आइलैंड 42,000 के करीब लोगों को घर देता है। इतनी कम पॉपुलेशन की वजह से देश में साफ सफाई हद से ज्यादा दिखती है। नेक्स्ट इज मालदीव। अब इस लिस्ट में जिस देश का नाम शामिल है वो है मालदीव। ये वही देश है जो दुनिया भर के लोगों को अपनी तरफ खींचता है। यहाँ हर साल हजारों नहीं लाखों टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं। आज भले ही मालदीव की गिनती दुनिया के सबसे छोटे देशों में होती है, लेकिन ये पर्यटन के लिहाज से काफी फेमस है। हिंद महासागर में स्थित होने की वजह से इस देश को हिंद महासागर का मोती भी कहते हैं। ये देश जनसंख्या और क्षेत्रफल के हिसाब से एशिया का सबसे छोटे देशों में से एक है। माले इस देश की कैपिटल सिटी है। 298 स्क्वायर किलोमीटर में फैले इस देश की कुल आबादी करीब 5,21,000 है। मालदीव ने भी गुलामी का वो बुरा दौर झेला है, लेकिन साल 1965 में मालदीव को पूरी तरह से आजाद करा दिया गया। साल 1965 से पहले यह देश पुर्तगाल, डच और ब्रिटिश जैसे कई साम्राज्यों के अधीन रहा, और आज यही लोग मालदीव की सैर पर सबसे ज्यादा आते हैं। नेक्स्ट इज टुवालू। टुवालू की गिनती दुनिया के सबसे छोटे देशों में 4 नंबर पर होती है। ये देश प्रशांत महासागर में स्थित है, जो छोटा होने के साथ साथ खूबसूरत और अट्रैक्टिव भी है। आजादी भरी जिंदगी जी रहा टुवालू एक जमाने में ब्रिटिशर्स के अंडर में था, लेकिन जब आजादी का दौर आया तो टुवालू ने भी हाथ खड़े कर दिए। इसके बाद साल 1978 में टुवालू एक स्वतंत्र देश के रूप में सबके सामने आया। इस छोटे से देश का क्षेत्रफल 26 वर्ग किलोमीटर है और देश की आबादी है लगभग 11,204। जनसंख्या के लिहाज से ये दुनिया का तीसरा कम जनसंख्या वाला देश है। वैसे इस देश की सबसे खास बात की जाए तो वो है कि इस देश में महज एक ही अस्पताल है। उसका रीजन भी ये है कि यहाँ लोग सबसे कम बीमार पड़ते हैं और इतने लोग भी नहीं है कि अस्पताल भर जाए। महज 12,000 लोगों के साथ सिमटे टुवालू को देखना आंखों को ठंडक देने जैसा है। नेक्स्ट इज सेशेल्स। खूबसूरत बीच, नीले और चमकीले पानी, रंग बिरंगी फूलों की घाटियाँ और आकर्षण घरों वाले इस देश में घूमने की बात हो तो हजारों लोग हाथ ऊपर कर देते हैं। वजह है देश की बेमिसाल खूबसूरती। दुनिया के सबसे छोटे देशों में 8वें नंबर पर आने वाले सेशेल्स में प्राकृतिक सुंदरता की कोई कमी नहीं है। ये देश हिंद महासागर में स्थित है। आधिकारिक तौर पर इस देश को सेशेल्स गणराज्य कहा जाता है। देश की पॉपुलेशन की बात करें तो सेशेल्स में 99,258 के करीब आबादी है। वहीं ये देश महज 455 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल को कवर करता है। सेशेल्स कुल 115 द्वीपों से मिलकर बना है, लेकिन रहने लायक कुछ ही द्वीप है। सेशेल्स में करीब 1,000 मछलियों की प्रजातियां पाई जाती है। इस छोटे से देश में 2 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी है। नेक्स्ट इज सैन मेरिनो। सैन मेरिनो यूरोप का सबसे पुराना और खास देश है। इस देश का क्षेत्रफल जानकर तो आपके होश उड़ जाएंगे। हाँ, आबादी के मामले में ऐसा शायद ना हो। देश का आधिकारिक नाम है रिपब्लिक ऑफ सैन मेरिनो। ये इटली के ठीक बीचों बीच मौजूद है। सैन मेरिनो जीडीपी के मुताबिक दुनिया का सबसे अमीर देशों में से एक भी है। देश का सबसे राजधानी शहर भी सैन मेरिनो है और यहाँ भाषा बोली जाती है इटालियन। देश का क्षेत्रफल महज 61.2 वर्ग किलोमीटर है और आबादी है करीब 33,745। इस छोटे से देश में प्रकृति का अद्भुत नजारा देखने को मिलता है। वहीं यहाँ हर साल घूमने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। देश की जीडीपी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज और टूरिस्ट सेक्टर पर डिपेंड करती है। वहीं यहाँ कृषि का भी लेवल काफी सही है। देश में रहने वाले लोगों को काफी खुशहाल भी माना जाता है, जिसका रीजन है अच्छी खासी कमाई, कम भीड़ और बेहतर सुविधाएं। बिल्कुल वैसे ही छोटा परिवार सुखी परिवार। नेक्स्ट इज नाउरू। सैन मेरिनो के बाद जिस छोटे देश का नंबर आता है वो है नौरू। नौरू बेहद अट्रैक्टिव देश है जो प्रशांत महासागर में बसा है। ये एक द्वीप देश है और आप तो जानते ही हैं कि द्वीप देश कितने कमाल
के होते हैं। नौरू के मामले में भी ऐसा ही है। देश का क्षेत्रफल 21 वर्ग किलोमीटर है और ये दुनिया का सबसे छोटा स्वतंत्र गणराज्य देश है। नौरू दुनिया का एकमात्र ऐसा राष्ट्र है जिसकी कोई राजधानी नहीं। जी हाँ, इस देश की कोई कैपिटल सिटी नहीं है और तो और इस देश की अपनी कोई सेना भी नहीं है। सेना ना होने के पीछे एक रीजन ये भी है कि ये देश काफी सेफ है। दुनिया से ज्यादा बोलचाल नहीं तो ज्यादा खतरा भी नहीं। हालांकि ऐसा नहीं है कि यहाँ सुरक्षा की कोई इंतजाम नहीं है। देश की आबादी करीब 12,500 के करीब है। यहाँ पर नारियल बहुत ज्यादा होते हैं, इसीलिए नारियल पानी सबसे सस्ता भी है। नौरू भले ही अमीर ना हो लेकिन यहाँ के लोगों को काफी खुशहाल माना जाता है। नेक्स्ट इज वेटिकन सिटी। जी हाँ दोस्तों, जिस छोटे से देश की अब हम बात करने जा रहे हैं उसका नाम है वेटिकन सिटी। यही वो देश है जो दुनिया में सबसे छोटा, सबसे खूबसूरत और सबसे प्यारा है। देश में घूमने पर आपको ऐसा लगेगा जैसे पूरा देश कई छोटा सा शहर है, क्योंकि यहाँ बहुत कम लोग नजर आते हैं। अगर आप यहाँ घूमने जाते हैं तो कुछ ही देर या यूँ कह लीजिए 2 से 3 घंटों में ही पूरे देश की यात्रा कर लेंगे। वेटिकन सिटी दुनिया का छोटा देश होने के साथ साथ सबसे छोटा शहर भी है। ये देश कैथोलिक धर्म की राजधानी है। ईसाई धर्म के प्रमुख संप्रदाय रोमन कैथोलिक चर्च का यही केंद्र है और इस समुदाय के सबसे बड़े और महान धर्म गुरु पोप का निवास स्थल यानी रहने की जगह भी यही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस देश का क्षेत्रफल सिर्फ 0.44 वर्ग किलोमीटर है। बोले तो आपके मोहल्ले की गली से भी कम क्षेत्रफल है वेटिकन सिटी के पास, लेकिन फिर भी वेटिकन सिटी काफी आगे है। आपको बता दें कि वेटिकन सिटी पूरी तरह से इटली के रोम से घिरा है। देश की इकोनॉमी पूरी तरह से टूरिज्म सेक्टर पर डिपेंड है, मतलब देश की इकोनॉमी पर्यटकों से मिलने वाले पैसों पर चलती है। इस छोटे से देश के पास अपनी सेना भी है जिसे स्विस गार्ड के नाम से जाना जाता है। ये दुनिया की सबसे छोटी सेना है जिसमें सिर्फ 110 सैनिक ही शामिल है। खास बात यह है कि ये सैनिक भी पोप की सुरक्षा में तैनात रहते हैं। वेटिकन भले ही छोटा देश है लेकिन इसके पास अपनी सेना के साथ साथ रेलवे लाइन भी है। ये एकमात्र ऐसा देश है जहाँ लैटिन भाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज रखा गया है। हर रोज यहाँ करीब 25,000 टूरिस्ट आते हैं जबकि देश की आबादी है महज 825। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हमारे यहाँ तो इतने लोग एक शादी में आ जाते हैं फूफा जी के बिना। तो दोस्तों ये थे दुनिया के 6 सबसे छोटे और खूबसूरत देश। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।